बाल बच्चा के दशा देखियो आ कब सलतियो नै बात के देखियो कोई सहारा छै पति का इनका पति कहाँ है पति बाहर में बाहर काम करते हैं बाहर दो बच्चा है मर्डर कर दिया दान बारह दल तेरे दल का बच्चा है अब कोई नया घर में रहने वाला मल्ले का भाग गया थाना परिवार को कह लो बाबू लोग को कहा जो थाना पर अतर लेकर भाग गया उन मारने वाला कौन था मारने वाला ललित राम था चार प्राणी मिल के घास के धान खेती में उसको रगड़ करके मार दिया धान के खेत में काम करने के थे आपकी बेटी धान कमाने के लिए गया दोस्तों इस समय मौजूदगी हमारी भूपट्टी में देख सकते हैं यहाँ पर एक महिला को जो है हत्या कर दी गई है बताया जा रहा है उनके परिजन का कहना है जिस महिला की हत्या की गई है उसको हत्या करने वाले का नाम ललित राम बताया जा रहा है और इन लोगों का कहना है कि वो अरेस्ट हो गया था लोगों के कब्जे में था लेकिन फिर फरार हो गया है प्रशासन के द्वारा उसका पोस्टमार्टम भी किया गया है लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में अभी समय है तो वो देखने वाली बात होगी किस तरीके से उसकी मौत की गई है और किस तरीके से हत्या की गई है जानते हैं इनके परिजन से क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में लाश पड़ा है अभी लाश यहाँ पर रोड पर पड़ा है अच्छा कैसे मारा है गला घुट के हाँ उसको चार आदमी मिल के घसर करके उसको जैसे तैसे रगड़ फगड़ के उसको मार दिया गला कितने साल की थी आपकी आपकी बेटी कितने साल की थी 35 साल का था हमको बचिया क्या नाम था मंजू की देवी अच्छा कतर पतर के मार दिया उसको क्या कर रहे हैं प्रशासन से सरकार से क्या मांग कर रहे हैं मांग कर रहे हैं जो उसको बरामद जब हो गया तो उसको लेकर कहा है मनोजा भाग गया उसको मनोजा लेके भाग गया हाँ उसको बुलाइए उसको लेकर आइए उसको फांसी चाहिए फांसी चाहिए फांसी का उसको सजा चाहिए उसको बुलाइए जो भी कातिल है अभी तक 12-15 घंटे हो गए हैं थाना में एफआईआर कर दिया गया है कातिल के बारे में जिस पर शक था कि इन्होंने मारा है और अभी तक उसको कोई छानबीन पकड़ नहीं है ग्रामीण लोग कन्फर्म है लेकिन थाना प्रशासन बोल रहा है कि हम उसको कोशिश जांच जुटा रहे हैं उसके खिलाफ सबूत जुटा रहे हैं पकड़ने के लिए अभी तक सबूत नहीं जुटा पाए हैं इसीलिए नहीं पकड़ रहे हैं उसको ठीक है फिर भी लेकिन उसको अभी आप लोग रोड जाम कर दिए हैं जी उसी के खिलाफ अभी तक रोड जाम किए हुए थे कि क्यों क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया एक छोटी मोटी बात को लेकर के यहाँ पे किसी का कोई मर्डर कर देता है मतलब किसी को मर्डर कर देता है और फिर भी अभी तक आप लोग उस पर एक्शन नहीं खुलेआम ले रहे हैं क्यों नहीं जो भी कातिल है उसको जल्द से जल्द इस मार्मिक घटना के उपलक्ष्य में माध्यम से उसको फांसी होना चाहिए हम लोगों का ग्रामीणों का उनके रिश्तेदारों का यही जो है सो मांग है जे मारने चले तकरा ल जा के रेप कर देला गाड़ी में बैठा के कत नुकाल लगा छे ओकरा लबो पहले मार देला हमरा ल आदमी के धान खेत में कौन थी आपकी मर्द हमर बहिन चल के तकरा मार देला धान खेत में कोई समाज नहीं बुझल के मार देल के साथ में जाकर बच्चा बुझल के मैं मर गेल हमर मम्मी सब एगो बेटी है एगो बेटी एगो बेटा चले या यार तू गाटा पर दे ता तू गाटा पर दे ती जई आ कोई नहीं सारा बे लइया करे सब के बाल बच्चा के दशा देखियो आ कब सलतियो नहीं बात के देखियो कोई सहारा छै पति का इनका पति कहाँ है पति बाहर में बाहर काम करते हैं बाहर दो बच्चा है देखिए इस जिस बच्चे की माँ चली गई हो उनका दर्द कौन जान सकता है जिनकी माँ नहीं हो वही जान सकता है उस तरीके से हत्या की गई जिसको बयां किया नहीं जा सकता है हालात देखिए इस बच्चे का हालात देखिए इनके भविष्य का क्या होगा इनके फ्यूचर का क्या होगा मधुबनी जिला जो कि बहुत ही शांत जिला माना जाता था हर एक पंचायत में हम दिन प्रतिदिन देखते हैं कभी बेटियों के साथ रेप कर दिया जाता है कभी महिलाओं को जो है मार के फेंक दिया जाता है देखिए प्रशासन कहीं ना कहीं सवाल उठाया जा रहा है दिन इस तरीके के अपराध बढ़ते जा रहे हैं अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता जा रहा है कि दिन दहाड़े उनकी हत्या कर रहे हैं अपराध कर रहे हैं किडनैप कर रहे हैं रेप कर रहे हैं क्या हुआ था गाड़ी पर चढ़ा के अपना निकाल दे लोग हमरा के कहिए जाइला लाश के जा देला जे कुछ नहीं होता किसको चढ़ा दिया है
जे मारना चले तकरा पकड़ल गए गो आ तब लोग ले गाड़ी पर चढ़ा के कतने का तोरा रखने है। अच्छा मतलब जो पकड़ने मारने वाले को पकड़ लिया गया बना के कल थाना पर चले कौन पकड़ा था उसको थाना हां थाना चले थाना चले मनोज था मनोज था मनोज ले गए उनको हां गाड़ी पर चढ़ा के लोग ले कत लोग ले कतने पुलिस के हाथ में नहीं था पुलिस सब आप चले चल गए अच्छा कब हुआ ये मामला कब पकड़ाया कब थोड़ी देर पहले अभी पकड़ा गया था आधा एक घंटा पहले एक भाग गया हमको ये बोला कि चलो थाना पर अच्छा थाना पर गया था लोग भाग गया प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप लोग बताइए प्रशासन से यह हम चाहे छे मौत के बदला मौत मौत के बदला मौत मतलब फांसी हाँ हमार खून के बदला खून लेंगे एसआई गणेश कुमार सिंह क्या कहेंगे सर इस मामले को लेकर जो ये हत्या की गई है इसके पीछे जांच चल रही है अभी जिला का टीम आई है जांच करने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुका है नहीं अभी अभी नहीं आया है क्या लगता है किस तरीके से हत्या की गई इसके पीछे कैसा बाद ही पता चलेगा कि क्या लगता है लोगों ने उग्र होकर रोड को जाम कर दिया है अच्छा वो तो उग्र होना काम है जिसका मरता है वो तो उग्र होबे नहीं करता है जांच चलेगा जांच चल रहा है जो जांच में आएगा वो हो जाएगा प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप लोग बताइए प्रशासन से यह हम चाहे छे मौत के बदला मौत मौत के बदला मौत मतलब फांसी हां हमार खून के बदला खून लेंगे यहीं पे फांसी दे दिया जाए लोगों का कहना है कि भूपट्टी चौक के चौराहे पे फांसी दे दी जाए लेकिन ये प्रशासन के हाथ में मामला है जांच होगी जांच की टीम मधुबनी से आई हुई है तो वो देखने वाली बात होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या फैसला आता है तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि उस बेटी को और बेटा को उनके परिवार वालों को इंसाफ मिल सके बने रहे हमारे साथ सतर्क रहे सचेत रहे देखते रहे मधुबनी हलचल न्यूज़।